ठीक है, जिन लोगों ने कॉपी करके डाल दिया है व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास फॉर्मेट भी लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया है और सवाल भी व्हाट्सएप पे डाल दिया है। तो अब कुछ नहीं करना, हमें इस सवाल को उस फॉर्मेट में पुट इन करना है। तो आप लोगों के पास फॉर्मेट मौजूद है, बनाना शुरू करें। और व्हाट्सएप पे प्लीज बिल्कुल आंसर मत भेजें, अपने पास रखें आंसर, और जिनसे फिर मैं सिर्फ पूछूं सिर्फ वो बताएं मुझे। इसको फिल करना शुरू करते हैं हम लोग, और फिल करने पे जो है वो फॉर्मेट पे ये सवाल फिल करना शुरू करते हैं। ये वापस से, जी वापस से फॉर्मेट बना लें, बिल्कुल नए पेपर पे फॉर्मेट बना लें और उसकी वैल्यूज डालना शुरू कर दें। मैं भी आप लोगों के साथ, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेट है। और सबसे पहले क्वांटिटीज कैजुअल की बात कर लेते हैं। इस सवाल में क्वांटिटीज कैजुअल में आपने क्वांटिटी ढूंढनी है, और क्वांटिटीज कैजुअल में क्वांटिटी ढूंढ के आपने क्वांटिटी पुट करनी है। अगर मैं क्वांटिटी सवाल में ढूंढना शुरू करूं तो हमारे पास लिखा हुआ है 8000 फुल्ली कंप्लीट यूनिट्स और 2000 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस, व्हिच इज 100% कंप्लीट ऑफ मटेरियल एंड 50% कंप्लीट एज पर कन्वर्जन। ये पैराग्राफ आप जरा दोबारा से पढ़ लें और इससे आपकी क्वांटिटीज कैजुअल पूरी तैयार होगी। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। At the end, 8000 units fully complete. तो आपके पास जो fully complete units का जो quantity schedule में जो जगह आ रही है वहां पर 8000 आप लिख दें, और 2000 unit are still in process, यानी WIP में 2000 units आप लिख दें, और इसमें percentage apply भी ना करें, अभी सिर्फ units लिख दें, just like this. 8000 units आपके पास आ रहे हैं। नजर आ रहे 8000 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स। ये 8000 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स मिलके टोटल आपके 10000 यूनिट्स मिल गए। अच्छा, अब ये मेरे पास 10000 यूनिट्स आए कहां से, ये आप समझ लेंगे 10000 यूनिट्स मेरे पास कहां से। अगर मेरी कोई यूनिट्स जो कंप्लीट हुए हैं फॉर द पीरियड में वो 8000 है और मेरे पास फिनिश फॉर्म में 8000 रखे हुए और 2000 अभी बन रहे हैं, इसका मतलब है कि टोटल 10000 बनने के लिए आए थे। 10000 की फिगर सवाल में कहीं नहीं दी हुई, पर आपको 10000 की फिगर रिवर्स कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेट हुई है कि 10000 बनने शुरू हुए होंगे, पुट इनटू प्रोसेस हुआ होगा, उसमें से 10000 में से 8000 बन गए और 2000 अभी यूनिट्स बन रहे हैं। अगर मैं कंप्यूटर की एग्जाम्पल लू तो मेरे पास क्या होगा कि 10000 यूनिट्स मैंने बनाना शुरू करे जनवरी में, ये फॉर द मंथ है, हेडिंग देखें फॉर द मंथ है, किसी खास महीने में 10000 यूनिट का मैंने प्लान किया, बनाना यूनिट शुरू किया
और मुझे 8000 यूनिट बन गए। 8000 यूनिट बनने के बाद 2000 यूनिट अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अभी इस प्रोसेस में पड़े हुए हैं कि वो कुछ ना कुछ कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट पूरे यूनिट्स हमारे पास नहीं आए। क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई मसला समझ में नहीं आई तो पूछ लें, मैसेज करें मुझे, और अगर समझ आ गई तो भी प्लीज मैसेज कर दें ताकि मैं इसको आगे चलूं। मजाद कह रहे हैं रिपीट कर दें, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं आपके पास जी, मैं दोबारा से बता देता हूं। रोहेल कौन है? ये रोहेल कौन है? रोहेल आपने आईडी बताएंगे? रोहेल मेरी क्लास में कौन था यार? रोहेल मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चले सही है, सॉरी फिर मैं शक्ल से नहीं जान पाया, तो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, नाम मेरे लिए ऐसा कोई ठीक है रोहिल, सॉरी। अच्छा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 8000 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये सवाल में गिवन है। ओके 2000 यूनिट्स हमारे WIP में मौजूद है, ये भी सवाल में गिवन है। दोनों को टोटल किया मैंने और उस टेम्पलेट पे एंटर किया तो मेरे पास 10000 यूनिट्स आ गया। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, ऊपर का 10000 कैसे आया? तो सवाल ये है कि 10000 यूनिट्स बनाना शुरू किए होंगे तो फिर उसमें से 8000 बने होंगे ना, तो 10000 इसी को बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर लिखा कि 10000 यूनिट्स। सवाल में वो ये भी लिख सकता था कि 10000 यूनिट बनाना शुरू करे, उसमें से 8 बन गए और 2 भी बन रहे हैं, लेकिन उसने 10000 नहीं दिए, और इसलिए नहीं दिए कि आपको मिसिंग डेटा खुद निकालना है, तो आपने मिसिंग डेटा निकाल लिया टेम्पलेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्लियर है उसामा? वजह ठीक है। अब इसका ईपीयू कैसे कैलकुलेट होगा? तो जो कंप्लीट यूनिट्स हैं, अगर आपको याद होगा कि हमने कंप्यूटर के अंदर कहा था कि हमारे 3 कंप्यूटर कंप्लीट हो जाते हैं, जब 3 कंप्यूटर हमारे कंप्लीट हो गए थे तो हमने कहा था तीनों को पूरा ले लें और जो आधा कंप्लीट है उसको आधा लें और जो 75 कंप्लीट है उसको 75 लें। तो इसमें भी 2000 यूनिट्स में आपको वो ये कह रहा है कि आपके फुल्ली कंप्लीट नहीं है, फुल्ली कंप्लीट होते हैं तो कंप्लीट यूनिट्स में आते हैं, WIP में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि अभी आपके पास उसमें काम बाकी है, और क्या काम बाकी है? तो वो ये कह रहा है कि प्रोसेस विद द कंप्लीशन ऑफ मटेरियल, यानी 100% मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, लेबर वाइज और ओवरहेड वाइज। कन्वर्जन को क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट इज लेबर प्लस ओवरहेड, वो 50% कंप्लीट है। तो हम इसी तरह से नीचे ईपीयू कैलकुलेट करेंगे, ये नीचे आपके पास ईपीयू आ गया। मटेरियल के कॉलम में आप चेक करें तो मटेरियल के कॉलम पे कंप्लीट यूनिट इज 8000 फॉर मटेरियल, 8000 फॉर लेबर, 8000 फॉर ओवरहेड। क्योंकि वो कंप्लीट हो गया तो उसमें मटेरियल भी सारा लग गया, लेबर भी सारा लग गया और ओवरहेड भी सारा लग गया, कोई दूसरी राय नहीं है। क्लियर है? जब हम WIP यूनिट्स की बात करेंगे, वर्क इन प्रोसेस की बात करेंगे, यूनिट इन प्रोसेस की बात करेंगे, तो उसमें हमें परसेंटेज लगानी होगी जो कि उसने सवाल में दिया है। अब 2000 यूनिट जो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए उसमें उसने कहा है कि मटेरियल 100% कंप्लीट था, हमने मटेरियल को 2000 पूरा ले लिया, उसमें 100% परसेंटेज लगा दी, लेकिन लेबर और ओवरहेड यानी कन्वर्जन 50% था, तो हमने उस पे 50% लगाई और उस पे 1000 की अमाउंट क्वांटिटी ले ली। इस तरह से हमारे पास मटेरियल का ईपीयू अलग आया, लेबर का ईपीयू अलग आया और ओवरहेड का ईपीयू अलग आया, और ये आपस में टोटल नहीं होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सारे ईपीयू अलग अलग रहेंगे, कोई आपस में टोटल नहीं होगा। तो 10000 ईपीयू फॉर मटेरियल, 9000 ईपीयू फॉर लेबर और 9000 ईपीयू फॉर ओवरहेड।
यहाँ तक समझ आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो मैसेज में बता दे मुझे, सवाल मैं अभी नहीं लूंगा उसामा, मैसेज में मुझे बता दे तो बेहतर है। समझ आ गया यस और नो बता दे, मैं सवाल एक साथ ही लूंगा ये पूरा सवाल कंप्लीट कराने के बाद। समझ नहीं आया, ओके चले मैं दोबारा कोशिश करता हूँ समझाने की। ओके क्वांटिटी जो हमारे पास कंप्लीट हुई है वो 8000 यूनिट्स है, वो जो आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस जगह पे 8000 यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा सवाल पहले मैं सवाल पे दोबारा चल जाता हूँ, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को सवाल पे है। यहाँ पर ये देखें कि 50% कंप्लीट आ रहा है, ये किसका कंप्लीट आ रहा है? ये कंप्लीट आ रहा है कन्वर्जन कॉस्ट का, आ रहा है आपको नजर कन्वर्जन कॉस्ट का 50% कंप्लीट। और ये परसेंटेज जो गिवन है 100%, ये किसकी है? ये मटेरियल की है। और कन्वर्जन कॉस्ट की कितनी है? 50%। तो जहां पर मटेरियल हम लेंगे वहां पर इस 2000 का सिर्फ बात हो रही है, इस 2000 रुपए के लिए 100% मटेरियल और 50% कन्वर्जन कॉस्ट, इसी को लेके हम आगे चले हैं। और इसी को हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर ये हमने लिया 100% फॉर मटेरियल और 50% फॉर लेबर और 50% फॉर ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर दोनों मिला के कन्वर्जन कॉस्ट होती है। तो ये दोनों के लिए ही 50%, ये नहीं कि 50% का भी 50% कर लें दोनों में डिवाइड कर दें, नहीं, दोनों के लिए 50% है। और कंप्लीटेड यूनिट्स तो 8000 यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है, 8000 यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है, 8000 यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। जो मसला है परसेंटेज लगाने की वो WIP यूनिट्स में है, और WIP यूनिट्स के लिए यहाँ पर 100% लेंगे मटेरियल के लिए, यहाँ पर 50% लेंगे और यहाँ पर 50% लेंगे। तो 2000 जो हमारे पास एंडिंग यूनिट्स थे वो कहाँ से आए थे? वो यहाँ से आए थे, ये 2000 यूनिट्स आ रहे हैं। इस 2000 यूनिट्स को हम इस्तेमाल करेंगे और अप्लाई करेंगे ये परसेंटेज सबकी अपनी अपनी, मटेरियल की 100% 50%, 50%। तो 2000 का 50% आपके पास आ जाएगा 1000, 2000 का 50% आ जाएगा 1000 और 2000 का 100% आ जाएगा 2000। अब क्लियर है? पर यूनिट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट्स आप लोग मुझे ओके करें फिर पर यूनिट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है तो अब सवाल पे जरा वापस आते हैं और सवाल पे देखते हैं कि हमारा जो दूसरा पार्ट है जो कि कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन है वो कहाँ से कैलकुलेट होगा। फॉर्मेट में हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन था, ओके फॉर्मेट हमारे पास, अब फॉर्मेट है वापस जाते हैं कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन में हमें एक तो टोटल कॉस्ट चाहिए, वो टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास सवाल में गिवन होती है। अब इस सवाल में आपके पास टोटल कॉस्ट क्या गिवन होगी वो देख लेते हैं। ये है आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई है ये यहाँ पर मौजूद है इस सवाल में, और ये हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है,
आपको नजर आ रही है, ये कॉस्ट आपने जाके कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन में कॉपी पेस्ट करनी है, जो आपके पास फॉर्मेट था ये वाला यहाँ पर पुट करनी है। ये तीन कॉस्ट है एज इट इज, आपने यहाँ पर कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन में पेस्ट कर देनी है, 1,90,000 और 63,000, ये एज इट इज अपने फॉर्मेट पे आपने आके यहाँ पर पुट करना है। यहां तक क्लियर है? ये आपने सवाल में पुट कर दिया, सॉल्यूशन में डाल दिया, क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया था, ईपीयू बन गया था, कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन में आपने क्वांटिटी डाल दी, वो सॉरी वैल्यूज डाल दी, मटेरियल लेबर और ओवरहेड डाल दें तो मुझे कंफर्म करें, मैसेज करके बताएं। जी मोइस, थैंक यू, खुदा थैंक यू, परिया बिल्कुल आपने कर लिया, और जिन लोगों ने कर लिया मुझे बता दें, लविता ठीक है। तलहा, नूर, जैन, भविष, आयशा, हानी, ठीक है सबने कर लिया, ओके वेरी गुड। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन, टोटल कॉस्ट आपके कॉलम में आ गई, आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा 2,53,000। अभी आप सिर्फ इस कॉलम की बात करें, ये वाले कॉलम, ये आपने पुट कर दिया था सवाल में से निकाल के, ठीक हो गया। अब पर यूनिट कैसे आया, पर यूनिट कैलकुलेट हुआ यहाँ पर 10,000 ईपीयू अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि पर यूनिट कैसे आया, फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपीज कैसे आया, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपका ईपीयू 10 है और ये आपकी कॉस्ट है 1,00,000, सही है, 1,00,000, 100,000 डिवाइडेड ऑन 10,000 तो आपके पास आ गया 10 रुपीज, डिवाइड कर दें, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आपके पास आ जाएगा 10 रुपीज। इसी तरह से 90,000 को डिवाइड कर दें, लेबर की कॉस्ट को डिवाइड कर दें लेबर के ईपीयू से और ओवरहेड की कॉस्ट को डिवाइड कर दें ओवरहेड के ईपीयू से, तो आपके पास नीचे पर यूनिट आना शुरू हो जाएगा और वो ही पर यूनिट आप यहां पर कॉलम में लिख लेंगे। क्लियर है, यहां तक स्टेप हो गया? ये पहला स्टेप है, ठीक है, ईपीयू बनाना हमारे पास दूसरा स्टेप है, ये हमारे पास कॉस्ट लिखना ये तीसरा स्टेप है, पर यूनिट कैलकुलेट करना हमारे पास चौथा स्टेप है और पांचवा स्टेप हमारे पास यहां पर आएगा, माउस से राइटिंग ऐसे ही बनेगी, ये पांचवा स्टेप है। ये पांच स्टेप पे आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार होगी और द पीरियड किसी भी पीरियड की किसी भी महीने की। यहां तक कोई सवाल, किसी ने सवाल पूछना है तो मैं इकरा रिपीट कर दें, अच्छा मैं रिपीट करता हूं, यूनिट कॉस्ट रिपीट कर दें, अच्छा मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये आपके पास
ये जो मैं आपको ब्लू में दिखा रहा हूं, अब इसको मेरे साथ साथ देखिएगा, 100,000 को डिवाइड करें टेन थाउजेंड यानी मटेरियल के ईपीयू से, तो आपके पास आ जाएगा 10. अब बेहतर है इकरा, कोई सवाल है तो पूछ लें. ठीक है, हो गया. अच्छा, ओके, अब हम फिफ्थ स्टेप पे जाते हैं, स्टेप नंबर फाइव. स्टेप नंबर फाइव क्या कहता है हमें? स्टेप नंबर फाइव ये कहता है, हम पहले इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, जब वापस आ जाता हूँ. स्टेप नंबर फाइव में ये कहता है कि जो हमने ये फॉर्मेट बनाया था, अब हम बात कर रहे हैं इसकी. कॉस्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोस की, ये है स्टेप नंबर फाइव. स्टेप नंबर फाइव, अब आप इसमें जरा पहले समझें और फिर उसको सॉल्व करिएगा. यहां पर पहली लाइन लिखी हुई है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर. ये कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर के पहले तो यूनिट्स होंगे, इसकी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, ये कहाँ से आएगा कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर? ये आपको मिलेगा क्वांटिटीज कैजुअल से, यहां से जो क्वांटिटी यहां पर होगी उसी से कैलकुलेट होगी. इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी यहां पर आ रही है, इस क्वांटिटी को लेना है. कितने यूनिट्स है हमारे पास सवाल में जो कंप्लीट हुए हैं? हमारे पास यहां पर यूनिट है कंप्लीट होने के, वो आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, ये कंप्लीट यूनिट्स हैं. नजर आ रहा है आप लोगों को ये कंप्लीट यूनिट्स, कंप्लीट एंड ट्रांसफर. ये 8,000 यूनिट्स आपके पास कंप्लीट हुए हैं, और इस 8,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं इस 27 रुपए से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स की कॉस्ट अमाउंट कंप्लीट हो गई है. 8,000 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या आ रहा है? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 27, बिल्कुल जी, आप लोगों ने जितने आंसर दिए सब सही है. और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर ये आ गया मेरे पास 8,000 मल्टीप्लाई बाय 27, आंसर इज 2,16,000. ये पहला पार्ट, फिफ्थ का पहला पार्ट हो गया. अब बस आखिरी पार्ट रह गया, फिर हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे. आखिरी पार्ट ये है कि अब हमें WIP कैलकुलेट करानी है. मैं वापस जाता हूँ उस फॉर्मेट पे जो आपके पास था मौजूद. अब ये WIP कैलकुलेट होगी, ये जो WIP कैलकुलेट होगी, ये डब्बा, इसमें आपको अलग अलग कैलकुलेट होगा. और इसमें WIP कहाँ है? ये यूनिट्स इन प्रोसेस. इसी बात कर रहा हूं, ये जो ग्रीन से मैंने किया है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके एंडिंग यूनिट्स पे, यानी कि इसकी एंडिंग यूनिट्स को लेंगे
और इसके रिस्पेक्टिव अलग अलग टोटल से नहीं, टोटल से नहीं, टोटल से नहीं, इसके रिस्पेक्टिव अलग अलग यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यू क्वांटिटी उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके रिस्पेक्टिव अलग अलग यूनिट से, टोटल से नहीं करेंगे। ठीक हो गया। ये डब्बे की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो हमने लिया ये 2000 और अगर हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल का, यानी कि ये 20,000 कैसे आया, तो ये 20,000 ऐसे आया कि 2000 मल्टीप्लाई हुआ है उसके 10,000 से और यहां पर आया है 20,000, ये मल्टीप्लाई होकर आया। यहां पर हमने टोटल कैलकुलेट किया था येलो में और ग्रीन में हमने इंडिविजुअल एक एक यूनिट का कैलकुलेट किया। वजह यह है कि यहाँ पर हमारे मटेरियल की परसेंटेज अलग, लेबर की परसेंटेज अलग और ओवरहेड की परसेंटेज अलग है, इस वजह से हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ा। समझ आ गया, जिस जिसको समझ में आ गया वो यहाँ तक मुझे प्लीज कंफर्म कर दें। जी मैं अभी आपसे सवाल लेता हूँ, आपने रेज हैंड किया, मैं सवाल लेता हूँ। पहले मुझे ये बता दें, तलहा दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है, इसको समझ आ गया, रिपीट कर दें। उबैद को समझ आ गया, बाकी लोग मुझे बता दें जिस जिसको समझ आ गया। मैं ये रिपीट करता हूँ, रिपीट करता हूँ। इसके लिए मैं ओवरहेड को रिपीट करता हूँ, ओवरहेड पे मेरे साथ जरा देखते रहिएगा। अगर मुझे ये ओवरहेड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, सही है, ये ओवरहेड की अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने एंडिंग यूनिट्स उठाने, एंडिंग यूनिट्स ये 2000 है, इस 2000 को मैंने उठाया और फैक्ट्री ओवरहेड के पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया 7 रुपए से, 2000 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपए, फिर मल्टीप्लाई किया उसकी परसेंटेज से 50% और फिर मेरे पास आया ये 7000। दूसरा आसान तरीका ये है कि अगर मैं दूसरा आसान तरीका आपको समझाऊं, तो हम ये करते हैं, इसका एक और आसान तरीका मैं आपको एक और इंग से समझा देता हूं कि अगर मुझे ये लेबर कैलकुलेट करनी है, तो मैं उठाता हूं ये वाला 1000 जो कि मैंने परसेंटेज अप्लाई किया हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं लेबर के पर यूनिट से और मेरे पास आ जाता है सीधा सीधा ये 10,000। अब बता दें कि किस किस को क्लियर है, काफी ज्यादा कलर हो चुके हैं स्लाइड के अंदर और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमें पूरा बनाना हो गया। होपफुली कि ऑनलाइन जूम के अंदर बगैर फिजिकल बोर्ड के हुए हुए मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को समझा सकूं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई मसला नहीं है, एक दफा और बता देते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर दोबारा से बता देते हैं, कोई मसला नहीं। इसको इरेज ऑल लिंक, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, वो इसकी तस्वीर खींच लें और ये सारे कलर्स जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे कैलकुलेशन वाइज, और बेशक ग्रुप में भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, फिर मैं इसको क्लियर करके आपको एक और दोबारा से लिंक बना के भेज देता हूँ, ताकि मैं भी ये सारे कलर्स जो हैं वो चेंज करने लगाऊँ और हटाने लगाऊँ। तो जिसको उसकी तस्वीर खींचनी है बिल्कुल तस्वीर खींच के अपने पास रख ले, ताकि मल्टीप्लाई कहाँ हुआ है, डिवाइड क्या हुआ है, कुछ समझ आ जाए। कॉस्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोस, स्टेप नंबर 5 दोबारा बता दूंगा।
ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये मैंने इसको बिल्कुल साफ कर दिया। अभी हम कैलकुलेट करने लगे हैं ये वाला पार्ट। पहली बात तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लें कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला पार्ट, सही है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ये फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज 50% लगा के 2000 यूनिट्स के अंदर हमने जब 50% लगाया तो 1000 वो पहले ही हो चुका था। हम यहां से पिक करते हैं, आसान तरीका हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस 7 से। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7000। उसी का दूसरा तरीका क्या है, उसी का दूसरा तरीका भी बता देता हूं। उसका दूसरा तरीका ये है कि ये 2000 को मल्टीप्लाई करें इसकी परसेंटेज से, और जब परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1000 आ चुका होगा, और फिर मल्टीप्लाई कर लें इस 7 से तो आपके पास 7000 आ चुका होगा। यही काम हमने लेबर पे करना है, उसके अपने मटेरियल से मल्टीप्लाई करके लेबर की परसेंटेज से, और मटेरियल 100% है मटेरियल पे करना है तो आपको पर यूनिट अलग अलग लेना है। इसमें सिर्फ दोनों में फर्क ये है कि जो टोटल जो हमने सबसे पहले वाला लिया था उसमें हमने लिया था टोटल, यानी कि ये 27 इस्तेमाल हो रहा था इसके लिए, इसमें ब्रेकअप नहीं था, और जिसमें ब्रेकअप है उसमें हमने पर यूनिट अलग अलग से कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने इसको रिपीट कर दिया, अब समझ आ गया। आज पता चला है जूम में पढ़ाना कितना मुश्किल काम है। बता दें मुझे मैसेज करके जिन इनको समझ में नहीं आया हो, और अगर आप कोई सवाल है तो मैं सवाल भी ले सकता हूं। ये मेरे पास एक है सवाल, जी मैं सवाल ले लेता हूं। जी करीम, अपना माइक अनम्यूट करें और मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपको अलाउ कर दिया मैंने।